सो हाय, दिस इज दिलबाग वर्मा। तो हमारे कुछ टॉपिक्स रहते थे रशियन फॉर्मलिज्म में। एक तो राइटर हमारे पेंडिंग है, एक वीडियो में बेसिक वीडियो बना चुका हूँ पहले रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में, तो वो वीडियो भी आप देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि रशियन फॉर्मलिज्म क्या है। तो ये रशियन फॉर्मलिज्म रशिया में एमएस हुआ था 1910 से लेकर 1930s तक ये चला था। तो इनके जो आइडियाज थे, इनके जो प्रिस्पेक्टिव थे, वो मिलते जुलते थे किसी न्यू क्रिटिक से। जो न्यू क्रिटिक्स थे जैसे कि आई ए रिचर्ड है, टी एस इलियट, विलियम एम्पसन, मोनरोय बियर्सले, डब्ल्यू के विमजेट, आर पी वैरन, ऑस्टन वैरन, ये सारे न्यू क्रिटिक थे। इनके आइडियाज कहीं ना कहीं सिमिलर थे। देखो, न्यू क्रिटिसिज्म वाले क्या बोल रहे थे कि हमें सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना है पोएट्री को अच्छे से जज करने के लिए, उसे मीनिंग निकालने के लिए। यहाँ पे फॉर्म से आपको क्या समझ आ रहा है, फॉर्मलिज्म से फॉर्म, लैंग्वेज, पोएट्री की लैंग्वेज क्या है, पोएट्री की फॉर्म क्या है, इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट के बारे में ही बात कर रहे थे रशियन फॉर्मलिस्ट भी। ठीक है, तो हम रशियन फॉर्मलिस्ट के जो मेन जो इसके अंदर थ्योरिस्ट थे उनकी हम बात कर लेते हैं। ये लिंग्विस्टिक में भी आएंगे, आगे स्ट्रक्चरलिज्म में भी आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रोमन जैकोबसन। रोमन जैकोब्सन भी इसको बोलते हैं, कैसे भी प्रोनाउंस कर लो। तो ये रोमन जैकोब्सन जो है, इन्होंने एक स्कूल ग्रुप फाउंड किया था, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल वॉज फाउंड इन 1950। तो ये काम कर रहे थे लैंग्वेज पे, लैंग्वेज पे काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है लैंग्वेज में रोमन जैकोब्सन का। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है रोमन जैकोब्सन का, वो है लैंग्वेज इन लिटरेचर। तो यहां पे इसने बात की है लैंग्वेज इन लिटरेचर, लिटरेचर में लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। 1969 में ये ऐसे आया था। तो इसमें कुछ एक कम्युनिकेशन का एक तो मॉडल दिया है इसने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, कम्युनिकेशन के एक मॉडल को डेवलप किया है रोमन जैकोब्सन ने। इसके अंदर 6 फंक्शन बताए हैं इस कम्युनिकेशन मॉडल के, तो आपको ये सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट को के बाद ये पहले नंबर पे है। दूसरे पे आता है इसमें मैसेज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को हम रेफरेंशियल बोल सकते हैं, और मैसेज को हम क्या बोलेंगे, मैसेज को हम पोएटिक बोलेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा सेंटर, इमोटिव, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारा रिसीवर। इसको हम करेटिव बोलेंगे, और फिर फिफ्थ नंबर पे आएगा इसमें चैनल, यानी कि मीडियम, और इस मीडियम को हम बोलते हैं फैटिक। और सिक्स्थ नंबर पे आएगा इसमें कोड, मेटालिंगुअल। ठीक है, ये आप जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इनको भी आपको याद करना है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको ये सीक्वेंस में याद करना है। कम्युनिकेशन के मॉडल आपको यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में भी मिलेंगे। काफी सारे और भी जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉडल दिए हैं। तो उनमें देखो, पहले आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के बाद दूसरा सेंडर मिलेगा, उसके बाद मैसेज मिलेगा, फिर रिसीवर मिलेगा, इस तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे कॉन्टेक्स्ट आएगा, उसके बाद मैसेज आएगा, देन सेंडर, फिर रिसीवर, उसके बाद चैनल, और फिर कोड। ठीक है, ये इसमें मिलता है लैंग्वेज इन लिटरेचर में, ये मॉडल आता है कम्युनिकेशन का रोमन जैकोब्सन का। ठीक है, इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसने जैकोब्सन ने 3 प्रिंसिपल आइडियाज भी दिए हैं, 3 प्रिंसिपल आइडियाज। और वो 3 प्रिंसिपल आइडियाज कौन कौन से हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड है ये, लैंग्वेज टाइपोलॉजी, लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी, ये
ये टाइपोलॉजी इसने तीन तरह की बताई है। लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी, ये एक फील्ड है लिंग्विस्टिक का जिसमें स्टडी किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है लैंग्वेज को अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस फीचर, फंक्शन फीचर के अकॉर्डिंग और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है। इसमें तीन तरह की, देखो ये पहला है, रोमन जैकबसन ने तीन फंक्शन बताए हैं। पहला है लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी, अब इसी के सब पार्ट है आगे। इसमें लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी में आती है चार टाइपोलॉजी। पहली है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव टाइपोलॉजी। क्वालिटेटिव टाइपोलॉजी में ये कौन से इश्यू के साथ डील करती है, इसमें लैंग्वेज को कंपेयर किया जाता है ताकि लैंग्वेज की क्वालिटी के बारे में पता चले, ठीक है। इश्यू ऑफ कंपेयरिंग लैंग्वेज ये आता है क्वालिटेटिव लैंग्वेज में। उसके बाद है क्वांटिटेटिव टाइपोलॉजी, क्वांटिटेटिव जो टाइपोलॉजी है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है स्ट्रक्चर पैटर्न और जो वर्ड लैंग्वेज में यूज किए हैं उनको स्टडी किया जाता है क्वांटिटेटिव टाइपोलॉजी में। और थर्ड नंबर पे आता है फिर थ्योरेटिकल टाइपोलॉजी, थ्योरेटिकल टाइपोलॉजी। इसमें थ्योरी के बारे में बात की जाती है। थ्योरेटिकल में हमारा वर्ड ऑर्डर जो है वो कैसे होंगे, वर्ड की फॉर्म कैसी होगी, वर्ड ग्रामर और जो हमारी जो वर्ड का जो सिलेक्शन होता है, जो वर्ड की चॉइस होती है वो थ्योरेटिकल में आती है, ठीक है। सिलेक्शन हो गया और वर्ड ऑर्डर हो गया, और इसके अलावा जो हम वर्ड की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं वो भी थ्योरेटिकल टाइपोलॉजी में आती है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा लेक्सिकल टाइपोलॉजी। लेक्सिकल टाइपोलॉजी से क्या समझ आ रहा है, लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी कि वोकैबुलरी से रिलेटेड है ये। लैंग्वेज में किस तरह की वोकैबुलरी हमें यूज करनी है ये है उससे रिलेटेड। तो ये डिटेल में पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है लिंग्विस्टिक। देखो तीन फंक्शंस दिए हैं लैंग्वेज से रिलेटेड इसने रोमन जैकबसन ने। पहला है लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी और दूसरा आता है उसके बाद मार्कनेस, ठीक है, और तीसरा आता है लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल। ये तीन आपको याद रखने हैं। और इसके सब पार्ट कौन कौन से हैं, लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी कितने टाइप की होती है, चार टाइप की, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, थ्योरेटिकल और लेक्सिकल। ये चार टाइप की हमारी टाइपोलॉजी दी है रोमन जैकबसन ने। अब हम मार्कनेस के बारे में बात करते हैं। मार्कनेस इसमें कैरेक्टराइजेशन इन्वॉल्व होती है नॉर्मल लिंग्विस्टिक यूनिट अगेंस्ट वन और मोर ऑफ इट्स अपोजिट इररेगुलर फॉर्म्स, यानी कि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और लॉ होते हैं जो प्रभावित करते हैं या जो हमारा परिचय करवाते हैं फंक्शंस ऑफ ऑल लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है उनके फंक्शंस के बारे में हमें बताते हैं, उनको हम मार्कनेस बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी लैंग्वेज है उनके फंक्शंस क्या है उनके बारे में बताना, उनको परिचित करवाना या उनको प्रभावित करना, ये काम किसका है, मार्कनेस का, वो होते हैं मार्कनेस। और लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल में आता है ये एक ऐसा पैटर्न होता है जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है उसमें सिस्टमेटिकली वो लैंग्वेज किस तरह से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हर एक लैंग्वेज जो है उसमें अलग अलग नाउन होते हैं और वर्ब होती है, ठीक है। ऐसे ही जो स्पोकन लैंग्वेज होती है उसमें कॉन्सोनेंट और वोवल होते हैं। तो ये होता है लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल, जो लैंग्वेज होती है उसमें यूनिवर्सलाइज क्या है, ठीक है, नाउन वर्ब होते हैं, ठीक है, स्पोकन में क्या होते हैं कॉन्सोनेंट और वोवल जो है वो यूनिवर्सलाइज होते हैं। ये है हमारे तीन फंक्शन इसके रोमन जैकबसन ने जो दिए हैं। लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी पहला है, मार्कनेस दूसरा है और लिंग्विस्टिक सर्कल तीसरा है। ये है इसके सब पार्ट चारों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसने मेटाफर और मेटानेमी का भी एक कॉन्सेप्ट दिया है जो बहुत बार पेपर में आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है रोमन जैकबसन का। मेटाफर मेटानेमी, मेटाफर क्या है, इसको हम प्रैग्मेटिक बोल सकते हैं, हाँ मेटाफर को प्रैग्मेटिक बोल सकते हैं और ये सिंटैग्मेटिक होता है, ठीक है।
मेटाफर प्रैग्मेटिक होता है और मेटानमी सिंटैग्मेटिक होता है, और इसमें ये दो चीजों के बीच में सिमिलरिटी दिखाता है। मेटाफर हमेशा सिमिलरिटी शोज करेगा दो चीजों के बीच में। लाइक इसका अगर मैं एग्जांपल दू, योर हार्ट इज लाइक ए स्टोन, या यू हैव हार्ट ऑफ स्टोन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल है वो पत्थर का है। अगर पत्थर का होगा तो धड़कन कहां से होगी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपका जो हृदय है या जो दिल है वो कठोर है, ठीक है? मतलब सामने वाला बंदा थोड़ा सा क्रूर है। और सिंटैग्मैटिक में होता है प्रोक्सिमिटी, यानी कि क्लोजली जो चीजें एसोसिएटेड होती है, लाइक हम रिलेशनशिप की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें प्रोक्सीमिटी दिखाई जाती है, नजदीकियां होती है। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है मेटानोमी का, हर जगह पे आपको मिलेगा, पेपर में भी यही बहुत बार आया है, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब दोनों देखो है, दोनों ही स्ट्रेंथ की बात, एक स्वॉर्ड एक राजा की स्ट्रेंथ होती है, एक पेन एक राइटर एक पोइट की स्ट्रेंथ होती है। तो इन दोनों के बीच में इनको क्लोजली एसोसिएट किया है यहाँ पे रोमन जैकबसन ने। तो ये है इन दोनों के डेफिनेशन, मेटाफर और मेटानिमी की। इसके बाद हम रशियन एक और फॉर्मलिस्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रोमन जैकबसन के बारे में इतना ही पढ़ना है, एक बार और इसका लिख लेना रोमन जैकबसन का, फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज। मैच मेकिंग में आ सकता है क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज। इसमें लैंग्वेज के फंडामेंटल्स क्या है, जैसे कि ऑल लैंग्वेज हैव साउंड सिस्टम, ए सिस्टम फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स, ए वे ऑफ ऑर्गेनाइज वर्ड्स इन ए सिस्टमेटिक वे, या उनको एक सेंटेंस में कैसे तब्दील करना है, वर्ड्स को के सेंटेंस कैसे बनाने हैं, इस तरह के फंडामेंटल्स की बात की है फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज में। और इसको लिखा था 1956 में, राइट? देन इसके बाद हमारे अगले जो फॉर्मलिस्ट थ्योरिस्ट हैं, जो रशियन फॉर्मलिस्ट राइटर हैं, उनका नाम है विक्टर स्क्लोवस्की। विक्टर स्क्लोवस्की ने एक वर्क लिखा है थ्योरी ऑफ प्रोज, थ्योरी ऑफ प्रोज, इसको लिखा था 1925 में, और इसको ट्रांसलेट किया है बेंजामिन सेयर ने। बेंजामिन सेयर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। यहां पे थ्योरी ऑफ प्रेज के बारे में प्रोज की थ्योरी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में, यानी कि जो प्रोज वाला सेक्शन है हमारा, जो जिसमें हम नॉवल लिखते हैं, ठीक है, दूसरे प्ले लिखे जाते हैं उस लैंग्वेज में, यहाँ इस तरह की बातें की है। एक वर्क और है यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट आया है इनका, आर्ट एज ए डिवाइस, या इसका एक और भी टाइटल है आर्ट एज टेक्निक। आर्ट एज टेक्निक इसको लिखा था 1917 में, ठीक है? अब यहां पे राइटर ने क्या बात की है, स्क्लोवस्की ने यहां पे बात की है टेक्निक के बारे में, कि एक जो टेक्निक होती है वो ऑटोमेटिक टेक्निक या स्टैटिक टेक्निक नहीं होनी चाहिए, टेक्निक कुछ इस तरह की होनी चाहिए जो अनलिमिटेड हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अनलिमिटेड टेक्निक कैसी होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए, और उसके बाद हमारी जो टेक्निक है वो डायनेमिक होनी चाहिए, यानी कि गतिशील होनी चाहिए, एक जगह पे रुकनी नहीं चाहिए, और उसके बाद वोलेटाइल, परिवर्तनशील भी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम अपने आप को जो चेंज कर ले, ऐसी टेक्निक हमें यूज करनी है, ताकि टाइम टू टाइम जो लोग इन चीजों को पढ़ेंगे तो उनके अकॉर्डिंग वो ढलती रहे, ठीक है, उनके भी काम आए, ऐसी टेक्निक हमने यूज करनी है पोएट्री को लिखते टाइम या प्रोज को लिखते टाइम। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस इनकी एक कॉन्सेप्ट आता है डीफेमिलियराइजेशन।
डीफेमिलियराइजेशन। डीफेमिलियराइजेशन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी हेल्प से हम जो हमारी ऑडियंस है उसके प्रिस्पेक्टिव में हम चेंज कर सकते हैं, वो एक नए तरीके से एक किसी भी पोइट्री का जो बोलने पोइट्री में जो प्रिस्पेक्टिव दिया गया है, जो इंटेंशन है, उसको एक नए तरीके से वो सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लो क्लास चल रही है और एक स्टूडेंट है जो काफी इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स मीटिंग चल रही है या फिर पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के बारे में डिस्कस करने के लिए, और एक टीचर एक पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका जो बच्चा है योर सन इज सो सीरियस, तो उनके दिमाग में क्या आएगा? सीरियस का मतलब देखो, सोच सबसे पहले थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ हमेशा जाती है, अपने बच्चों को लेकर पेरेंट्स की हमेशा रहती है कहीं वो किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। तो अगर एक टीचर बोलता है योर सन इज सो सीरियस, तो उनको क्या लगेगा कि वो हो सकता है बीमार हो, ठीक है, तो वो सोचेंगे कि सुबह तो ठीक ठाक गया था घर से लेकिन अब बीमार कैसे होगा। लेकिन वहां पे टीचर का प्रिस्पेक्टिव क्या है बोलने का कि वो क्लास में सीरियस है, आपका बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो डीफेमिलियराइजेशन जो है वो इस तरह के प्रिस्पेक्टिव पैदा करता है ऑडियंस में, जो वर्ल्ड को एक नए तरीके से देख सके, ठीक है, उनका प्रिस्पेक्टिव जो है वो अलग हो जाए, ये होता है डीफेमिलियराइजेशन। और एक कॉन्सेप्ट है इनका, प्लॉट स्टोरी डिस्टिंक्शन। ये प्लॉट और स्टोरी में डिस्टिंग्विश करते हैं विक्टर स्क्लोवस्की, और विक्टर स्क्लोवस्की ने एक स्कूल ऑफ थॉट भी फाउंड किया है। पहले हम वो पहले वाली वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इन्होंने बनाया था, फाउंड किया था, और दो तीन राइटर और भी थे उसमें, जो जो राइटर इन्वॉल्व थे उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओपोजेज ये ग्रुप था विक्टर स्क्लोवस्की का, ओपोजेज जिसको 1916 में फाउंड किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में। इसमें विक्टर स्क्लोवस्की के साथ साथ और भी दूसरे ऑथर एसोसिएट करते हैं, बोरिस इकानबम है, जैसे यूरी टेन्योव है, और व्लादिमीर प्रोब भी काफी क्लोजली एसोसिएटेड है इस स्कूल ऑफ ग्रुप से, ओपोजेज ग्रुप से, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी है, और पेपर में आने वाली चीजें हैं सारी, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से जो भी मैंने आपको टाइटल बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, उनको अच्छे से याद करना, और इनकी डेट भी आप याद कर लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और अगली वीडियो में हम अब स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो स्ट्रक्चरलिज्म होगी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू।